What's up guys, welcome back to another reaction video from the channel BBQ Vines. और आज की वीडियो का टाइटल है माँ की चू मेरे बेटे। हाँ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। और भाई देखो चैनल पे स्ट्राइक पड़ी हुई है, वो हमें नहीं समझ आया एक सॉन्ग रिएक्शन है उसके ऊपर। हाँ। कैसे पड़ी क्या प्रात का सॉन्ग है वो इश्क नहीं करते। और तो उस वजह से यूट्यूब अभी पुश नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो मतलब आप देख सकते हो पिछली 4-5 वीडियो। हाँ। मतलब दो तीन हजार व्यूज आ रहे हैं। हाँ। तो भाई लाइक करोगे और कमेंट करोगे तो वीडियो थोड़ी आगे पहुंचेगी और हो सके यूट्यूब पुश नहीं कर रहा है तो अभी आप लोग का सपोर्ट। हाँ, मतलब हमें समझ नहीं आता है सॉन्ग रिएक्शन पे कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकती है। बाकी देखते हैं, चलो वीडियो एंजॉय करते हैं और लाइक करना मत भूलना। करें शुरू, 1 2 3 गो। जब हम 7 साल के थे तब उसने मुझे ये रोज डे पे दिया था। तू रो विफ को पानी देता है, प्लास्टिक का है ये मैं कैसे रख लूं। जब हम 5th क्लास में थे तब उसने मुझे अपना हैप्पी मील टॉय दिया था। हैप्पी मील टॉय ये मैं कैफे रख लूं। ये वो अपना तकिया यहाँ पे छोड़ गया। ये मैं कैफे रख लूं छोड़ गया। ये उसकी टी शर्ट यहाँ पड़ी हुई थी, धो दिए चला गया ना तुम्हें। मैं कैफे रख लूं। ये उसका माउस। ये मैं कैफे रख लूं। ये उसके चश्मे का कवर। ये मैं कैफे रख लूं। कैसे रख लूं। ये उसकी सारी पॉर्न मूवीज का HD कलेक्शन। ये तू क्या कर रहा है, तुम दोनों ने इतने साल की दोस्ती को एक पल में तोड़ दिया। दोस्ती में जब बातें छुपाने की नौबत आ जाए तब समझ जाना चाहिए कि दूरी बढ़ाने का टाइम आ गया। पर तुम दोनों तो जय वीरू की तरह हो, एंड में जय मर जाता है। गंगाधर दोनों एक ही है, नटू काका और बाघा। अबे चुप यार, अब कोई बात नहीं होगी उसकी इस घर में। मन भरा पड़ा है इन जनरल, कोई बात नहीं होगी। पर क्यों बेंच और मेरा रिश्ता खत्म। माँ की चू मेरे बेटे। रिश्ते अगर इतनी आसानी से खत्म होते तो एकता कपूर के सीरियल 12-12 साल तक नहीं चलते। अंकल आप यहाँ कैसे? क्यों यहाँ पे सिर्फ फुकरे आ सकते हैं क्या? नहीं मेरा मतलब बहुत टाइम के बाद आप आए हो। टाइम के बाद पानी लोगे? नहीं बैठे, आज मैं नीट पीऊंगा। डायरेक्ट नीट। हेलो, एक काम करो, रशिया की टीम पे $250 मिलियन लगा दो। अरे मेरी फ्यूचर से बात हो गई है, लड़के पहले बहुत डिफेंसिव खेलेंगे फिर स्पेन को पेनल्टी में धनोल्टी के दर्शन कराएंगे। पेनल्टी में धनोल्टी के भाई आप फट्टा खेलते हो बेचे टाइम पास के लिए? कभी कभी फाइनल कौन जीतेगा? चेन्नई सुपर किंग्स। आप यहाँ किसी काम से आए हो? बैन हो तो दुबई हला गया। अगर वो दुबई में होता तो मैं यहाँ क्यों आता Race 3 देखने? मतलब वो दुबई नहीं गया है। उसकी आपके साथ कब बात हुई? फोन आया था उसका। हेलो पापा। वाह की चू मेरे बेटे, तूने बहुत सही टाइम पे कॉल किया है और लीजा भी यहीं पे है। अरे वो सब छोड़ बेटे, मैंने तेरी फ्लाइट की टिकट करा दी है, तू मेरे पास आ जा जल्दी से जल्दी। पापा मैं दुबई नहीं आ पाऊंगा। क्यों? I don't feel like coming. But your dad loves you. अरे वो कोई और बात कर रहा है, तुम कुछ और बात कर रही हो, खामा खाटा रख जगा रही हो। माँ की चू बेटा तू जल्दी आ जा बेटा। पापा जख्म बहुत गहरे हैं। बेटा संजीवनी जड़ी बूटी और लीजा की बड़ी बूटी ने बहुतों का इलाज किया है, तू टेंशन मत ले, इधर आ जा। पापा मैं नहीं आ पाऊंगा। बाय। अरे मना कर, अरे कहाँ गया? माँ की चू अब मुझे ही इंडिया जाना पड़ेगा यार। Wait, I want to go to India too. क्यों? उसको तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना था, लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए था, महंगे महंगे क्लब जाना था। मुझे भी यही लगता था लेकिन उस दिन उसकी बातें सुन के लगा कि उसको ये सब नहीं चाहिए। उसकी आंखों में दुख था बेटे, ऐसा दुख जो मेरी आंखों में तब होता है जब मुझे सुबह गांजा नहीं मिलता। कोई फूकता है क्या तुम में से? नहीं अंकल। शाबाश मेरे बेटे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे दिमाग स्लो होता है। उस दिन मैं लीजा को अपने गैंग मेंबर की मैयत पे ले गया तो वहाँ जोर जोर से हंसने लगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम अंदाज अपना अपना देख रहे थे, उसको सारे जोक आधे घंटे बाद समझ आए। माँ की छू अंकल, इसीलिए हम ड्रग्स नहीं करते। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले, लेकिन कल उसको उदास देख के मुझे लगा कि ये तो केले की रेडी लगाएगा। माँ की चू रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि इसको तो म्यूजिकली पे होना चाहिए। उसके और लीजा में बहुत बहस हो गई, फिर वो रोने लगा, फिर लीजा को झुकना पड़ा। लीजा ने हार मान ली? ना लिटरली झुकना पड़ा। What? तब जाके वो चुप हुआ। बहुत जिद्दी है मेरा लड़का। एक दिन बचपन में जिद करने लगा कि पापा मुझे डेड बॉडी के साथ खेलना है। डेड बॉडी से? हाँ, फिर मेरे बड़े भाई ने उसको डांट कर चुप करा दिया। और नहीं तो? फिर भी मैंने उसको खेलने दिया। किसकी डेड बॉडी के साथ? मेरे बड़े भाई की।
मेरे बच्चे को कोई डांटने वाला पैदा नहीं हुआ, और जो हुआ है मैंने उसको जमीन में गाड़ दिया है, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। पर आप उसको दुबई क्यों बुलाना चाहते थे? दुबई में वो ऐश करता, दिरहम कमाता दिरहम। क्यों, यहाँ रह के भी तो रुपए कमा सकता था ना। रुपया गिर के 69 हो गया है मेरे बेटे, पहली बार ऐसा हुआ है 69 में सिर्फ एक पार्टी को ऑर्गेज्म आया है। हेलो लीजा, क्या पैसे नहीं दे रहा वो? एक काम करो, उसका पिछवाड़ा तोड़ के पजल बना दो, सारी रात जोड़ता बैठेगा। मतलब बहन हो दुबई गया ही नहीं, उसने मुझे बताया कि तुम में से किसी ने मुझे गुंडा बोला। अरे समीर, मैंने तेको मना किया था ना, क्यों बोला तूने ऐसा? झूठ बोल रहा हूँ, माफा जी मैंने नहीं बोला। बेटे एक बात याद रखना, पीछे बुराई बिग बॉस वाले करते हैं। मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन अपने दोस्त की दोस्ती पर शक मत करना। दोस्त बात की तरह होते हैं, एक बार निकल गए फिर लौट कर नहीं आते। तुम दोनों की दोस्ती की मिसाल मैं पूरे अंडरवर्ल्ड में देता हूँ कि दिमाग भले ही खाली क्यों ना हो, दिल मोहब्बत से भरा होना चाहिए। बेटा छोटी मोटी लड़ाई तो सब में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रिश्ता ही खत्म कर दो। मैंने उसको इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफर किया, प्राइवेट जेट टू ट्रैवल, लैम्बोर्गिनी ऑन रोड, हॉट चिक्स, बीट अफगानी और ईरानी, बिना इलायची की बिरयानी। कहता नहीं पापा मुझे यही रहना है गरीबों के साथ, चड्डी में छेद और नुन्नू पे हाथ। जब म्यूजिक लगाते ना इसमें, मेरा भाई पता नहीं कैसे गलत समझ लिया उसको, बुरा भला भी बोल दिया। कोई बात नहीं, मैं चुप कर दूंगी। और प्यार से समझाना चाहिए तो चिल्ला दिया उस पे। आ गया, आज पता है उसको बर्थडे है, उसने कभी मेरे बिना नहीं मनाया। लास्ट ईयर मनाया था, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था होटल रूम में। ले भाई साहब दही टूटेगी। मैं चुप पापा के सामने क्यों बोल दिया यार? अच्छा कूल है ना, ये कूल है। बेटे तुम मेरी सच्ची औलाद है, अभी टिंडर के मालिक से बात करता हूँ, वो तुझे स्पेशल फीचर देगा, जो लड़की तुझे रिजेक्ट करेगी वो अपने आप लाइक हो जाएगा। मोहन ईवीएम थोड़ी है, ये किया तो वो हो जाएगा। सॉरी भाई रूडली बात करने के लिए। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दे। तूने भी तो मम्मी पापा के बारे में बुरा भला बोला था, तू भी सॉरी बोल। तो तूने भी तो पापा को गुंडा बोला था। अच्छा तो वो तू था? खाली है बेटे, भरी जी भरी खाली खाली है बेटे। अखियां नाल हाय की कह गई। ओ भाई मौज कर दी, बहुत ही फनी। और भाई ये एपिसोड में एक सबसे पहले तो पता लग गया था कि पिछले में हमने जब देखा था उसमें वो था कि वो दुबई जा रहा था, इनको हाँ, छोड़ के जा रहा था। फिर इस वाले में पता लग गया भैया नहीं जा रहा कहीं दुबई छोड़ के। और वो डायलॉग तो वहां मेरे को सबसे बढ़िया लगा, कह रहा सारे बर्थडे मिस मनाया था, कह रहा पिछले बर्थडे तो गर्लफ्रेंड के साथ मनाया था। और अमेंडा सरनी देखने को मिले इसमें, हाँ। ये वो टाइम है जब भुवन यूएस गया था और अमेंडा सरनी इसने पोस्ट भी डाल दी भुवन भाई ने, तो वो वाला पार्ट था ये। और सच में बढ़िया था, लीसा वाला कैरेक्टर प्ले करा, हाँ। और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी वाले सीन बताया ना कि, और जैसे वो चाय मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो, हाँ। वो भी लुढ़का दिया। लेकिन इनकी फ्रेंडशिप का बड़ा क्यूट सा दिखाया ना, गया नहीं उनके उसमें, कह रहे जय गुरु जैसी है, जय मर जाता है। वो अच्छा था शुरू में, ये मैं कैसे रख सकता हूँ, ये मैं कैसे बार बार की बारी आई जैसे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उसी वक्त। और ये जो ये कैरेक्टर बनाया ना बाकी जो बोलने का स्टाइल है बहुत ही गजब है। और ताड़ी वाड़ लगा के, मतलब एक ही बंदा यार आखिर कितनी बार दिल जीतेगा, अलग अलग कैरेक्टर वाइज कितने सारे कैरेक्टर यार, प्लस हर एक कैरेक्टर एक से बढ़कर एक प्ले करा होता है और सबका ही कहीं ना कहीं एक पार्ट रहता है। मतलब कहीं पर भी ना एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगता कि एक ही बंदा है, है ना, ऐसा लगता है कि सच में एक अलग अलग पूरे कैरेक्टर। ये कैरेक्टर्स देखने में मजा भी लगता है, एक तो डायलॉग डिलीवरी प्लस जो स्क्रिप्ट इनको दी, हर एक कैरेक्टर के लिए जो बनाई जाती है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफी एंजॉय किया होगा। और इसमें जैसे हमने पता है क्या, मैं खुद पर्सनली बता दूं, मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, नो डाउट डिंडोरा तो भाई बहुत ही मतलब अल्टीमेट था, हाँ। लेकिन जो हमने जब रिएक्शन शुरू किया था तो हमने इस रूम से ही रूम वाली वीडियो से शुरू किया था, है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। हमने भी इसी बेड पे बैठ के कितने 4 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर पूरे, और भुवन भाई ने देख उसी रूम में कितना कुछ हासिल किया है, और रूम अभी भी है वो वाला। आप लोग कैसे लगी वीडियो जरूर बताना, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।